हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोगों ने क्या देखा था, विकारी शब्द। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था विकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने आपको बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और आज से हम लोग अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और वह होगा क्या, तो वह होने वाला है अविकारी शब्द। आइए देखते हैं, आज हम लोगों का टॉपिक शुरू होगा अविकारी शब्द। कैसा शब्द? अविकारी शब्द। आज से हम लोग नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, अविकारी शब्द। चलिए देख लेते हैं अविकारी शब्द है क्या। देखिए, तो वे शब्द, वे शब्द जो लिंग वचन कारक, लिंग वचन कारक क्रिया आदि के आधार पर, आदि के आधार पर बदलते नहीं हैं, बदलते नहीं उसे अविकारी शब्द कहते हैं, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो लिंग वचन, या वे शब्द जो लिंग वचन कारक क्रिया आदि के आधार पर बदलते नहीं हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे मतलब कि ऐसा कोई शब्द चुनिए जो राम के साथ मैं प्रयोग करूं तो भी वही, सीता के साथ प्रयोग करूं तो भी वही, एक व्यक्ति के साथ प्रयोग करूं तब भी वही, दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति के साथ प्रयोग करूं तब भी वही रहे। ठीक है, और मैं किसी दूसरी क्रिया के साथ प्रयोग करूं तब भी वही, और दूसरी क्रिया के साथ प्रयोग करूं तब भी वही। मतलब कि हर एक समय में वह अपना रूप न बदले, ज्यों का त्यों, सेम टू सेम, जैसे का तैसे रहे, वह क्या कहलाता है, अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, हम लोग देख रहे हैं कि ना, ये पूरा दिख रहा है ना। चलिए, पूरा दिख रहा है, और आप लोग अच्छे से जल्दी जल्दी साथ में लिखते रहिए। हो गया दोस्त, तो जल्दी जल्दी आप लोग लिखते रहेंगे। लिखते रहने का मतलब ये है कि बार बार स्क्रीनशॉट ये करने के लिए कहेंगे नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे थे कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक क्रिया आदि के आधार पर बदलते नहीं हैं, ज्यों का त्यों रहते हैं या अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अविकारी शब्द में आपको क्या मिल सकता है, अविकारी शब्द में मिलेगा आपको जब, अविकारी शब्द में मिलेगा तब, अविकारी शब्द में, एक मिनट रुके, ये अविकारी शब्द में आपको क्या मिलेगा, अविकारी शब्द में आपको मिलेगा, देखिए, जब, क्या मिलेगा भैया, जब, तब, कब, ऊपर, नीचे, यहां, वहां, जब, तब, ऊपर, नीचे, यहां, वहां, अभी, ये भी मिल जाएगा, तेज, 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 धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे, तेज,
तेज इत्यादि बहुत मिलेंगे, सबका हम प्रयोग करके देख लेंगे। ठीक है, ऐसे करते हुए बहुत मिलेंगे, सबका प्रयोग करके देख लिया जाएगा। चलिए, ऐसे शब्द या वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल क्रिया, ठीक है, जो लिंग वचन कारक काल, अकाल नहीं, लिंग वचन कारक क्रिया आदि के आधार पर बदलते नहीं हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे जब, तब, कब, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, अभी, 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 तेज, धीरे, 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 तेज, तेज, इत्यादि। ठीक है, चलिए, कैसे इसको कह सकते हैं अविकारी शब्द? इसका मतलब कि इसको वाक्य में प्रयोग करके देख लिया जाए। तो इन सब का हम लोग क्या करेंगे, वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे। अगर वाक्य में प्रयोग करने के बाद ये ज्यों का त्यों है तब तो ठीक है, यदि ज्यों का त्यों नहीं है तब क्या कहलाएगा, ये अविकारी शब्द नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब ये कि इनके रूप में क्या हो गया, परिवर्तन। जब रूप में परिवर्तन हो जाएगा तब काहे के अविकारी, तब तो विकारी शब्द कहलाएंगे। अगर रूप में परिवर्तन नहीं हुआ तब ये अविकारी शब्द कहलाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको हम लोग प्रयोग करके देख लेते हैं वाक्य में कि क्या ये बदल गए हैं या बदल जाते हैं या नहीं बदले। अगर बदल गए तब तो विकारी, और जब नहीं बदले तब आपको मिलेगा अविकारी शब्द। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे इनका हम लोग प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने पर अगर नहीं बदलते हैं, ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। एक शब्द हम लोग देखे थे धीरे धीरे, ठीक है, या धीरे। चलिए आइए देख लेते हैं, हाँ, उदाहरण में या वाक्य में इनका प्रयोग करके देख लेते हैं। पहला वाला, श्याम श्याम धीरे धीरे बोलता है, श्याम धीरे धीरे बोलता है। इसी का, इसी धीरे धीरे शब्द को फिर देख लेते हैं। श्याम हो गया, राधा धीरे धीरे गाती है। चलिए अगला वाला देख लेते हैं, चौथा, तीसर का। वे सभी धीरे धीरे जा रहे हैं, जा रहे हैं। चौथा देखिए, धीरे धीरे आ रही हैं। पिताजी धीरे धीरे दौड़ते हैं। पिताजी धीरे धीरे दौड़ते हैं। चलिए, हमने बताया कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक काल आदि क्रिया आदि के आधार पर क्या करते हैं, बदलते नहीं हैं। ठीक है, लिंग वचन कारक और क्रिया लिख दिए थे क्या इसमें? तो होगा काल, क्रिया नहीं होता काल होगा। इसकी परिभाषा यहां पर लिख दे रहे हैं कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक कामा काल आदि के आधार पर, बदलते
नहीं है। अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं, यही बोले थे ना, उसमें क्रिया लिख दिए थे, सॉरी उसके लिए भाई साहब, क्योंकि क्रिया जो है वो खुद अविकारी है, अरे विकारी शब्द है, कैसे बदल जा रही थी ना, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है। अब ये वाली परिभाषा देखिए कि वे शब्द जो लिंग वचन कारक और इकाल के आधार पर बदलते नहीं है वो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द। तो देखिए, श्याम धीरे धीरे क्या करता है, बोलता है। श्याम क्या करता है, धीरे धीरे बोलता है। इसका मतलब ये जो शब्द है धीरे धीरे, यह और वाक्य में यदि मैं प्रयोग करके देखूं क्या बदल गया, अगर बदल गया तब तो विकारी शब्द, यदि नहीं बदला तो अविकारी शब्द। तो देख लीजिए, श्याम धीरे धीरे बोलता है, राधा धीरे धीरे नाचती है, वे सभी धीरे धीरे जा रहे हैं, माता जी धीरे धीरे आ रही हैं, पिताजी धीरे धीरे दौड़ते हैं। इन पांचों उदाहरणों में हमने लिंग वचन काल आदि को बदल कर देख लिया कि इस समय एक भी बार धीरे धीरे शब्द बदला नहीं है। इस कारण कह सकते हैं कि ये जो धीरे धीरे शब्द है अविकारी शब्द है। ठीक है, क्या है, अविकारी शब्द है। चलिए स्क्रीनशॉट बनाइए और मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। देखिए, कहेंगे कि नहीं बदली है, यारे अभी और उदाहरण चाहिए, तो और उदाहरण देता हूं, स्क्रीनशॉट बनाइए। देखिए, हवा, उदाहरण लिखिए, हवा धीरे धीरे चल रही है, उदाहरण लिखिए, हवा हवा धीरे धीरे चल रही है, हवा धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, आगे, बच्ची धीरे 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 रो रही है, बच्ची धीरे धीरे रो रही है। हो गया दोस्त, देखिए हमने क्या बताया कि हवा धीरे धीरे चल रही है, बच्ची धीरे धीरे रो रही है। तो देखिए, हवा आपका नपुंसक लिंग, ठीक है, या तो हिंदी में कहेंगे तो हवा पुल्लिंग है, ठीक है। बच्ची क्या है, स्त्रीलिंग, बच्ची क्या है, स्त्रीलिंग। देखिए, हमने कहा कि लिंग के आधार पर भी यह बदलेगा नहीं, तो देखिए जो हम लिंग को बदल कर देख लिए कि जो धीरे धीरे शब्द है क्या बदल रहा है, बच्ची के साथ भी हवा के साथ भी क्या है, धीरे धीरे ज्यों का त्यों है। इसका मतलब यह कह सकते हैं कि जो धीरे धीरे शब्द है कैसा शब्द है, अविकारी शब्द है। ठीक है, अगला वाला भी उदाहरण देख लीजिए। हाँ, सीता बाजार कब जा रही हो, सीता बाजार कब जा रही हो, मोहन मोहन बाजार कब जा रहे हो, कब जा रहे हो, डाकू कब आते हैं, डाकू कब आते हैं। छठवां, अध्यापक कब जाते हैं, हवा हवा कब चलती है, वे सभी तेज दौड़ते हैं। छठा, हवाई जहाज, आगे वाला, हवाई जहाज तेज चलता है, हवाई जहाज
तेज चलता है। अध्यापक तेज पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ा रहे हैं। अध्यापक तेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें हमने देखा क्या कि वे सभी, देखिए यहां से, सीता बाजार कब जा रही है, मोहन बाजार कब जा रहा है। सीता और मोहन दोनों के साथ ये जो कब शब्द है ज्यों का त्यों बना रहा, इस कारण कह सकते हैं कि यहां पर ये कब शब्द क्या है, अविकारी शब्द है या अव्यय शब्द है। देखिए, डाकू कब आते हैं, अध्यापक कब जाते हैं, हवा कब चलती है, वे सभी तेज दौड़ते हैं, हवाई जहाज तेज उड़ता है, अध्यापक तेज पढ़ा रहे हैं, अध्यापक तेज बोलते हैं। तो अब देखिए, वैसे तो कह सकते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये बताइए हमको, ये क्या है। वैसे कह सकते हैं कि ये आपका अव्यय शब्द है। क्या है? अव्यय शब्द। लेकिन पढ़ाना क्रिया है, पढ़ाने क्रिया की विशेषता बतलाई जा रही है, इस कारण ये क्रिया विशेषण। बोलना क्या है? क्रिया है, इस कारण ये तेज शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। लेकिन देखने के लिए उदाहरण में आप देख लीजिए कि क्या वे सभी, हवाई जहाज, अध्यापक और यहाँ पर अध्यापक, इन दोनों में कहीं पर तेज शब्द बदला क्या? नहीं ना बदला। इस कारण यहाँ पर कह सकते हैं कि तेज और कब, धीरे धीरे, जब, ये सभी कैसे शब्द कैसे हैं, तो ये सभी शब्द आपको कैसे शब्द कहे जाएंगे, तो अविकारी शब्द कहे जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए दोस्त, तो आशा करता हूं कि समझ गए होंगे। तब अगली कक्षा में जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे अविकारी शब्द के प्रकार। ठीक है, तो जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।